तो मैं जाना आज हम ग्रीन चिकन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने 750 ग्राम चिकन लिया। चलिए आइए हम शुरू करते हैं बनाना। आज हम हरे मसाले का गोश्त बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है और उसमें हम हरी मिर्ची, हरा धनिया पीस के, मैंने एक हैंडफुल कोथमीर लिया जो हम इसको पीस के ग्राइंड करके मसाले में मिक्स करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, काजू डालेंगे, 7-8 लेंगे हम इसमें। बादाम लेंगे हम 10-12, पिस्ते लेंगे 8-10, ये भी हम इसको मसाले में मिर्ची और धनिया के साथ पीस लेंगे। उसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और ये कुछ मसाले हैं, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी और मिर्ची। इसमें हम दही भी ऐड कर देंगे। दही भी हमने ऐड कर दिया। अब हम इसमें कोथमीर, मिर्ची और ड्राई फ्रूट्स हमारे ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रेस्ट के लिए रख देंगे। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया। चिकन को मैरिनेट हुए 1 घंटा हो गया। ऑयल हमारा गर्म हो गया, 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। तब हम इसमें हमारा चिकन डाल देंगे। पाँच मिनट के लिए हम इसको फुल फ्लेम पे पकाएंगे। आप इसमें चाहे तो फूड कलर भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, मैंने नहीं डाला है। चिकन हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे 2-3 मिनट में इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, 2-3 मिनट और इसको पकाएंगे। मैं चिकन रेडी है, हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम डिश आउट कर लेंगे। देखिए हमारी रेसिपी तैयार है। अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं हमारी रेसिपी तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए, पास में जो बेल का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर हमारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमें अपनी दुआओं में शामिल करें। मिलते एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।